Assalamu alaikum, follow me, Talha viewers. इस वक्त मैं ग्रीस के कैपिटल एथेंस में हूँ और अगर आपको ग्रीक या यूनान की हिस्ट्री के बारे में पता हो तो ग्रीक हिस्ट्री बहुत मशहूर है अपने जो पुराने रिलीजियस बिलीफ्स थे जो कि खुदाओं में बिलीव करते थे इनके लिए इनके पास हर चीज़ के लिए खुदा होता था जैसा कि आपने नाम सुना हो इनके बहुत तरह के खुदा होते थे और ग्रीक मेथोडोलॉजी की बहुत सारी आपने हॉलीवुड मूवीज़ भी देखी होंगी तो इस वक्त मैं ग्रीस में हूँ और चलें आपको इस जगह पर दिखाता हूँ ये है आर्कपस हाँ इस जगह की फुटेज जो है हम लोग ड्रोन से देखते हैं और देखते हैं ड्रोन से कैसा लगता है जैसे कि आप जानते हैं कि ओलंपिक्स का आगाज़ दुनिया में सबसे पहला जो इंट्रोड्यूस कराने वाला मुल्क था वो था ग्रीस और ग्रीस में इस तरह के बहुत सारे स्टेडियम्स हैं जहाँ पे गेम्स होती थी आज से 4000 साल पहले तो ये भी उस तरह उनमें से एक जगह है जहाँ पर ओलंपिक्स गेम्स होती थी जहाँ पर इकट्ठे होते थे और गेम खेली जाती थी तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं जो कि ओलंपिक्स का मैप लगा हुआ है ये भी ग्रीक ही थे जिन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया व्यूअर्स इस वक्त मैं एथेंस की सबसे पुरानी सेमेट्री यानी कि कब्रिस्तान में हूँ यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट तरह की कब्रें हैं आप देख सकते हैं ये कब्रिस्तान जो है इसके अंदर एज पर द इंफॉर्मेशन 2000 साल से भी पुरानी कब्रें हैं यहाँ पर और डिफरेंट तरह की कब्रें तो आए इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं देख सकते हैं कि पोप की कब्र है पिक्चर भी बनी हुई है इसके ऊपर आपको भी देख सकते हैं डिफरेंट तरह के कपड़े हैं और बेसमेंट भी है बहुत ही यूनिक किस्म की कब्र है देखें कब्र के अंदर दरवाज़ा भी बना हुआ है जैक्स भी बने हुए हैं This is one of the oldest graveyards in Athens.
Athens ki tourist market. बहुत सारे लोग बैठ के डांस कर रहे हैं और हर तरह की चीजें यहाँ पर दिख रही हैं. Yeah, the Greek gods ke just so this is the walking street, the tourist walking streets of Athens.